आई और जानकारी लेते हैं कि आज जो मीटिंग के अंदर बहुत बड़े फैसले लिए गए, उन फैसलों के अंदर अहम पदवी दिए गए। हमारे बीच में रविशंकर जी जिन्हें सफाई कर्मचारी संघ सफाई कर्मचारी आयोग का इन्हें मेंबर बनाया गया है और इनको कैसा लग रहा है और इनको कैसी खुशी हो रही है, अभी इन्होंने बर्फी और लोगों का मुंह मीठा किया है। रविशंकर जी, आज आपको एक खुशी ऐसी जाहिर हो रही है, तो आप इस जो मीटिंग के अंदर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं अपने समाज में आके बहुत खुश होता हूँ और जब मेरा पूरा समाज एक बैठता तब मुझे बहुत खुशी होती है। आज जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, सफाई कर्मचारी जो वर्कर है मेरे भाई हैं, उनके जो पीड़ा है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उसकी जिम्मेवारी को बाखूबी निभाने के लिए मुझे बोला गया और मेरे माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने जिम्मेवारी मुझे दी है अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से, और मैं इस जिम्मेवारी को बाखूबी जितना मेरे से परिश्रम हो सकेगा, जितना मेरे से जो भी किया जा सकेगा, दिन रात मैं एक कर दूंगा और 24 घंटे इस कार्य करने के लिए मैं सक्षम रहूंगा और इस जिम्मेवारी को बाखूबी निभाऊंगा। रविशंकर जी कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने के बाद में, एक पद मिलने के बाद में वो लोगों से नहीं मिला करते हैं और इस तरीके की उनके अंदर एक बू पैदा हो जाती है कि नहीं नहीं ये तो वो आदमी है, वो अपने समाज के ही लोगों को घास डालना छोड़ देते हैं, तो आपकी ऐसी कैसी भूमिका रहेगी? ऐसा नहीं है कि मैं जिम्मेवारी नहीं निभाऊंगा और ना ही मैं लोगों से मिलूंगा। नहीं, आपका नहीं कह रहा, जिन लोगों को पद मिल जाते हैं वो जैसे वो काम नहीं करते हैं, ये उनकी सोच होगी, लेकिन मेरी जो मानना है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बजाय उनको बुलाने के लिए मैं उनके घर जाकर उनकी सुविधाएं और जो असुविधाएं उनको हो रही है मैं उनको पूछूंगा और मैं ये टाइम भी नहीं देखूंगा कि वो आज दिन है या रात है, सुबह 6 बज रहे हैं, मैं सुबह 6 बजे भी उनके पास जाके खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा मैं अपने आप को सक्षम मानता हूं और करने के लिए मैं तैयार हूं और इसी कार्य को मेरे को मंत्री जी ने बोला गया कि आपने इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए, इनको पूरा इनको बेनिफिट दिलाने के लिए आपने समय को नहीं देखना है और ना ही इनसे ये कहना कि आप मिलने, मैं खुद इनको मिलने जाऊँगा, मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं इनके पास जाऊंगा कि आपकी क्या समस्या है, मैं इनके बीच में जाके इनकी समस्या सुनूंगा। रविशंकर जी, अधिकतर ये जो सफाई कर्मचारियों में क्या एक प्राइवेटाइजेशन का दौर चल गया है, अगर जो रिटायर हो जाता है या मतलब BRS ले ली जाती है फिर उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने माना है, संविधान में शायद यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं दिया जा सकता जी। तो इसकी लड़ाई मैं जारी रखूँगा और मैं सफाई कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाऊँगा और वो अगर ये ठेकेदारी पे जाएगी तो मैं इसे ठेकेदारी पे नहीं जाने दूँगा, क्योंकि ये व्यवसाय ठेके के लिए नहीं है और जो उसके अंदर जो उनकी गंभीर समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याएं जो उनको अभी तक मुहिम नहीं कराई गई हैं, मैं अपने माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से और मंत्री जी के माध्यम से उनको पूरा करवाऊंगा। रविशंकर जी, आप सफाई कर्मचारियों को इस चैनल के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूँ, और आश्वासन नहीं है ये मेरा उनसे वादा है कि उनका एक भाई किसी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आ रहा है, दिल्ली सरकार ने जिम्मेदारी निभाने को दी है, मंत्री जी ने दी है, तो वो कभी भी ये ना सोचे कि मैं एक मेंबर हूँ या कोई इस आयोग का कुछ भी पदाधिकारी हूँ। मैं जब भी उनके बीच में आऊँगा वो अपना ही मुझे भाई समझे, अपना बेटा समझे, अपना जो भी मुझे सम्मान सकते हैं दोस्त समझे, और जब भी मुझसे बात करें तो हमेशा यही सोच के बात करें कि हम किसी अपने से बात कर रहे हैं। धन्यवाद।